हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लाए हैं चिकन राइस। फ्रेंड्स, और आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? आई होप आप सब खुश होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ और इसकी बेहद आसान रेसिपी है, तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सबसे पहले हमने ये चावल को हमने ये आधे घंटे के लिए भिगो लिया है, उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे ताकि चावल का रंग अच्छा आए। ठीक है, इसे आप पीसते भिगो के रख दीजिए। इसे हमने ये भिगो दिए तो इसे अलग कर देंगे। और ये हमने चिकन को भी नमक, मिर्च, नींबू रस और हल्दी पाउडर गरम मसाला डाल के इसे मैरिनेट कर लिया है। बीच में ही हमने आलू को कट करके डाल दिया है, तो आप छोटे छोटे आलू लें जिसके सिर्फ दो ही पार्ट करें। और इसे भी आधा घंटे से मैरिनेट कर दें। फ्रेंड्स, ये तो झटपट बन जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ पर कोई अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो प्लीज आप ये झटपट बना लीजिए। ये हमने दालचीनी, लौंग, इलायची, इसे हमने रोस्ट कर लेना है। इसे अच्छे से खुशबू आने तक इसे रोस्ट कर लें। तो ये हमारी रोस्ट हो चुकी है। ये हमने लहसुन अदरक लिया है और उसी में ये डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए, वो भी ग्राइंड हो गया। ये इसमें हमने ऑयल भी साथ में ही डाल दिया था। इसे लगभग 10 से 15 मिनट इसे टमाटर भी डाल के इसे अच्छे से भून लेना है। हमने इसमें प्याज बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। इसे हल्का सा गलने तक इसे अच्छे से भून लें। अब इसमें ये पीसा हुआ जो हमने ये लहसुन अदरक और ये दालचीनी, लौंग, इलायची है वो डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, आपने नींबू जरूर डालना है, क्योंकि जो नींबू का फ्लेवर है ना, वो अलग से इसका टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसे भिगो कर रखा हुआ है, इसे मैरिनेट करके रखा हो, तो ये लगभग आधे घंटे में अच्छे से तैयार हो जाता है। अब ये हमने चावल में से पानी ड्रेन कर लिया है और इसे चिकन में डाल दें। अब इसमें नमक डाल दें। फ्रेंड्स, हमने चिकन में भी नमक डाला है। अगर आपने दो कप चावल लिए हैं तो उसमें एक चम्मच हमने पहले डाल दिया है नमक और एक चम्मच अब डाला है चावल में। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल दें और इसे एक सीटी बजने तक पकाएं। अगर आप ऐसे ही इसे धीमे गैस पर पकने देंगे तो तब भी बन जाएगा, क्योंकि चिकन लगभग हमारा गल चुका है। तो मैंने तो सीटी बजा दी है। ये हमारे राइस बनकर तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, देखिए देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ पर कोई गेस्ट आए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे झटपट बना सकते हैं। और इसके साथ में ऐसा नहीं है कि कुछ आपको दही वगैरह चाहिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये चावल ही आप अकेले चावल ही खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दें।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने मज़ेदार चावल लग रहे हैं। मुझसे तो कंट्रोल नहीं होने जा रहे, मैं तो खाने जा रही हूँ। आपको, आप भी बनाइए और खाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो गरम गरम खाने जा रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।